आज बुल्ली, सोन, स्काइलर और सारे क्रिमिनल्स फैक्ट्री आए हुए हैं क्योंकि ये सारे लोग मिलकर आज पार्टी करने वाले हैं। तभी येलो क्रिमिनल कहता है, अरे हम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग पार्टी शुरू करते हैं। तभी स्काइलर कहता है, अरे अभी और भी लोग आने वाले हैं, उन लोगों के आते ही हम लोग पार्टी शुरू कर देंगे। स्काइलर इतना कह ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे रॉड और हिपोप आ जाते हैं। रॉड और हिपोप को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रॉड और हिपोप इन लोगों के पास आकर रुकते हैं। तभी हिपोप कहता है, अरे सारे लोग तो आ गए लेकिन अभी तक गुल्ली और आलोक क्यों नहीं आए हैं, कहीं वो लोग भूल तो नहीं गए कि आज हम लोग पार्टी करने वाले हैं। तभी स्काइलर कहता है, अरे नहीं हिपोप, गुल्ली और आलोक तो यहाँ बहुत पहले ही आ गए थे लेकिन वो लोग पार्टी का सामान लाने के लिए दुकान गए हैं, थोड़ी देर में वो लोग आते ही होंगे। और इधर आलोक गुल्ली के दुकान से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, गुल्ली तो पार्टी का सामान लेकर दुकान से बाहर आ गया है। गुल्ली आलोक के पास आकर रुकता है। तभी आलोक कहता है, गुल्ली तुमने सारा सामान ले लिया है ना। गुल्ली कहता है, हाँ आलोक मैंने सारा सामान ले लिया है, चलो अब हम लोग फैक्ट्री चलते हैं। इतना कहने के बाद गुल्ली स्कूटर पर बैठ जाता है और फिर आलोक स्कूटर को स्टार्ट करके फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगता है। और इधर बहुत दिनों के बाद जेसन जेब्दा किलर से मिलने के लिए जेल आया हुआ है। तभी एक पुलिस वाला जेसन की चेकिंग करने लगता है। चेकिंग करने के बाद वो पुलिस वाला कहता है, जेसन तुम जेब्दा किलर से मिल सकते हो। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, चलो जेसन मैं तुम्हें जेब्दा किलर के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो पुलिस वाला जाने लगता है और जेसन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद जेसन उस पुलिस वाले के पीछे पीछे जेब्दा किलर के लॉकअप तक पहुंच जाता है। अरे ये क्या, जेब्दा किलर तो लॉकअप के अंदर बैठा हुआ है। तभी वो पुलिस वाला जेब्दा किलर से कहता है, देखो जेब्दा किलर तुमसे मिलने के लिए जेसन आया हुआ है। और फिर वो पुलिस वाला जेसन से कहता है, जेसन तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते हो। इतना कहने के बाद वो पुलिस वाला आगे की तरफ चला जाता है। जेसन जेब्दा किलर के पास जाता है। तभी जेब्दा किलर जेसन से कहता है, जेसन तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकालने का कुछ सोचा है या फिर नहीं। तभी जेसन जेब्दा किलर से कहता है, जेब्दा किलर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए ही आया हूँ, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालता हूँ। इतना कहने के बाद जेसन पुलिस वाले की तरफ जाने लगता है। पुलिस वाले के पास आते ही जेसन इधर उधर देखने लगता है। जेसन देखता है कि उसे कोई भी पुलिस वाला नहीं देख रहा है। तभी जेसन अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और उस पुलिस वाले पे हमला कर देता है। अरे ये क्या, ये पुलिस वाला तो नीचे गिर गया और इस पुलिस वाले की आवाज सुनकर बाकी के पुलिस वाले ने जेसन को देख लिया। और फिर तभी अचानक से जेसन कूद कर उस पुलिस वाले का गन ले लेता है। उस पुलिस वाले का गन लेने के बाद जेसन दूसरे पुलिस वाले को गोली मार देता है। अरे ये क्या, ये पुलिस वाला तो नीचे गिर गया और ये सब देखकर दूसरा पुलिस वाला यहाँ से भाग जाता है। उस पुलिस वाले के यहाँ से जाते ही जेसन जेब्दा किलर के लॉकअप का दरवाजा खोल देता है। और फिर जेसन जेब्दा किलर से कहता है कि जेब्दा किलर जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आ जाए। इतना कहने के बाद जेसन यहाँ से भागने लगता है और जेब्दा किलर भी जेसन के पीछे पीछे भागने लगता है। बाहर आते ही ये लोग दोनों ट्रक के पास आकर रुकते हैं। तभी जेसन कहता है, जेब्दा किलर जल्दी से ट्रक में बैठ जाओ। और फिर ये दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं और जेसन ट्रक को स्टार्ट करके यहाँ से आगे जाने लगता है। थोड़ी देर में जेसन और जेब्दा किलर एक सुनसान रास्ते पर आ जाते हैं। तभी जेब्दा किलर कहता है, अरे जेसन वो देखो सामने से तो कोई आ रहा है, चलो हम लोग उसे मारकर उसका सारा सामान लूट लेते हैं। अरे ये क्या, ये तो गुल्ली और आलोक है और ये लोग तो पार्टी का सामान लेकर फैक्ट्री जा रहे हैं। जेसन जेब्दा किलर से कहता है कि जेब्दा किलर वो तो आलोक है जिसके कारण तुम जेल गए थे, चलो आज बदला ले ही लेते हैं, क्या बोलते हो। हाँ हाँ जेसन चलो बदला ले ही लेते हैं। गुल्ली और आलोक स्कूटर से जा ही रहे होते हैं कि तभी जेसन अपना ट्रक इन लोगों के सामने ले आता है। जेसन और जेब्दा किलर ट्रक से नीचे उतर जाते हैं और गुल्ली और आलोक भी स्कूटर से नीचे उतर जाते हैं।
तभी आलोक कहता है, लगता है तुम लोग पिछली बार की मार भूल चुके हो, इसलिए दोबारा मार खाने के लिए यहाँ आए हो। अगर तुम लोगों को मार नहीं खाना है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा। आलोक की बात सुनते ही जैप द किलर आलोक से कहता है, आलोक हम लोग यहाँ मार खाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग तो तुम दोनों को कुछ देना चाहते हैं। जाओ जेसन, दे दो इन लोगों को। रुको, मैं अभी तुम लोगों को एक चीज देता हूँ। इतना कहने के बाद जेसन गुल्ली और आलोक की तरफ जाने लगता है। आलोक के पास आते ही जेसन आलोक को एक किक मार देता है और ये सब देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जैप द किलर जेसन से कहता है, जेसन और मारो आलोक को। इतना कहने के बाद जैप द किलर हंसने लगता है। अरे ये क्या, आलोक तो खड़ा हो रहा है। जैसे ही आलोक खड़ा होता है तभी आलोक कहता है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहने के बाद आलोक जेसन की तरफ जाने लगता है और फिर जेसन को मारने लगता है। अरे क्या, आलोक ने तो जेसन को बहुत बुरे तरीके से मारा है, लगता है अब जेसन बहुत देर तक नहीं उठ पाएगा। तभी जैप द किलर अचानक से आलोक को एक जोड़ का किक मारता है और आलोक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गुल्ली जैप द किलर को एक पंच मार देता है और जैप द किलर नीचे गिर जाता है। और फिर थोड़ी देर में जैप द किलर उठने लगता है। जैसे ही जैप द किलर उठकर खड़ा होता है तभी जैप द किलर अचानक से गुल्ली को एक जोड़ का किक मारता है और गुल्ली भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर जैप द किलर जेसन को उठाता है और जैसे ही जेसन उठकर खड़ा होता है तभी जैप द किलर कहता है, अरे ये देखो जेसन, मैंने इन दोनों को मारकर बेहोश कर दिया है, चलो अब इन दोनों को लेकर अपने अड्डे पर चलते हैं। जेसन कहता है, हाँ चलो इन लोगों को अड्डे पर लेकर चलते हैं। और फिर जेसन और जैप द किलर गुल्ली और आलोक को उठाकर ट्रक में रख लेते हैं। और फिर जेसन ट्रक को पीछे करता है और इन लोगों को लेकर अपने अड्डे पर जाने लगता है। और इधर ये लोग गुल्ली और आलोक के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि गुल्ली और आलोक अभी कहाँ है। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, अरे अभी तक गुल्ली और आलोक क्यों नहीं आए, कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, हम लोगों को जाकर देखना चाहिए। ग्रीन क्रिमिनल की बात सुनते ही स्काइलर कहता है, अरे किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, रुको अभी मैं आलोक को फोन करके पूछता हूँ कि वो लोग अभी कहाँ हैं। इतना कहने के बाद स्काइलर आलोक के पास कॉल लगाता है। अरे क्या, आलोक ने तो कॉल नहीं उठाया। तभी स्काइलर गुल्ली के पास कॉल लगाता है। अरे क्या, गुल्ली ने भी स्काइलर का कॉल नहीं उठाया। स्काइलर कहता है, गुल्ली और आलोक में से किसी ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया, मुझे लगता है ग्रीन क्रिमिनल सही बोल रहा है, गुल्ली और आलोक किसी मुसीबत में फंस गए हैं, हम लोगों को जाकर देखना चाहिए, चलो हम लोग उसी दुकान में जाकर देखते हैं। स्काइलर की बात सुनते ही रॉड कहता है, अगर हम सारे लोग गुल्ली और आलोक को ढूंढने के लिए उस दुकान में चले गए और गुल्ली आलोक यहाँ फैक्ट्री आ गए तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग उन्हें ढूंढने गए हैं, इसलिए हम लोगों में से कुछ लोगों को यहीं फैक्ट्री में रुकना चाहिए और बाकी के लोगों को गुल्ली और आलोक को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तभी स्काइलर कहता है, मैं रेड क्रिमिनल हिपोप और बुल्ली मॉन्स्टर ट्रक से गुल्ली और आलोक को ढूंढने के लिए जाते हैं, बाकी के तुम सारे लोग यहीं रुककर हम लोगों के आने का इंतजार करो। और फिर स्काइलर बुल्ली रेड क्रिमिनल और हिपोप मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं। तभी सोन बुल्ली से कहता है, बुल्ली जैसे ही तुम लोगों को गुल्ली और आलोक मिल जाएंगे तो तुम मेरे पास कॉल कर देना। इतना सुनते ही स्काइलर मॉन्स्टर ट्रक को स्टार्ट करता है और गुल्ली और आलोक को ढूंढने के लिए जाने लगता है। थोड़ी देर में ये लोग उसी रास्ते पे आ जाते हैं जिस रास्ते में जैप द किलर और जेसन ने गुल्ली और आलोक को किडनैप किया था। और फिर थोड़ी देर में ये लोग स्कूटर के पास आकर रुकते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कूटर यहाँ कहाँ से आया। तभी स्काइलर कहता है, चलो हम लोग नीचे उतर कर देखते हैं। इतना कहने के बाद ये लोग मॉन्स्टर ट्रक को साइड में लगाकर नीचे उतर जाते हैं।
और फिर गुल्ली और आलोक को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, हम लोगों ने इस जगह को पूरे अच्छे से देख लिया है, लेकिन गुल्ली और आलोक कहीं नहीं दिख रहे हैं। अगर गुल्ली और आलोक यहाँ नहीं है तो ये स्कूटर यहाँ कहाँ से आया? रेड क्रिमिनल इतना कह ही रहा होता है कि तभी इन लोगों को एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो पुलिस वाली जीप है। इन लोगों के पास आते ही पुलिस वाला जीप को रोकता है और इन लोगों से कहता है, तुम लोगों को पता नहीं है कि जेसन ने जेल में दो पुलिस वाले को मार दिया है और जैब्दा किलर को लेकर इसी रास्ते से भाग गया है, इसीलिए इतनी रात को यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, तुम लोग अपने घर चले जाओ। इतना कहने के बाद पुलिस वाला यहाँ से आगे चला जाता है। तभी स्काइलर कहता है, अरे पुलिस वाला क्या कह रहा था, क्या जैब्दा किलर जेल से भाग चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि गुल्ली और आलोक रास्ते से जा रहे थे तभी उन लोगों के रास्ते में जैब्दा किलर और जेसन आ गए और उन लोगों ने गुल्ली और आलोक को किडनैप कर लिया? स्काइलर की बात सुनते ही बुल्ली कहता है, हाँ स्काइलर मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि जैब्दा किलर और जेसन गुल्ली और आलोक को कहाँ लेकर गए हैं? ये लोग कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी स्काइलर को किसी का कॉल आता है और स्काइलर अपने पॉकेट से फोन निकालता है और कॉल उठाता है और कहता है, हेलो कौन? तभी किसी की आवाज आती है और वो कहता है, तुमने मुझे नहीं पहचाना स्काइलर? तभी स्काइलर कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं जैब्दा किलर हूँ, अगर तुम लोगों को गुल्ली और आलोक की जान बचानी है तो बिना पुलिस वाले को बताए चुपचाप जंगल वाली पुरानी फैक्ट्री में आ जाओ। तभी स्काइलर कहता है, ठीक है जैब्दा किलर, हम लोग अभी आते हैं, लेकिन तुम गुल्ली और आलोक को कुछ मत करना। स्काइलर इन लोगों से कहता है, जल्दी चलो, जैब्दा किलर ने ही गुल्ली और आलोक को किडनैप किया है और उसने हमें जंगल वाली पुरानी फैक्ट्री में बुलाया है। और फिर ये लोग मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं और जंगल वाली फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग जंगल वाली फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। यहां आते ही ये लोग गाड़ी को साइड में लगाते हैं और फिर ये लोग गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास जाते हैं। तभी स्काइलर उस आदमी से कहता है, हम लोगों को जैब्दा किलर ने बुलाया है, कहाँ है जैब्दा किलर? तभी वो आदमी कहता है, चलो मैं तुम लोगों को जैब्दा किलर के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो आदमी फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है और उस आदमी के पीछे पीछे ये लोग भी फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर आने के बाद ये लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं। तभी वो आदमी इन लोगों से कहता है, वो देखो वहाँ है जैब्दा किलर। अरे ये क्या, यहाँ तो जैब्दा किलर बैठा हुआ है और उसके बगल में तो जेसन खड़ा है और जेसन के हाथ में तो एक गन है जो कि जाना पहचाना लग रहा है। अगर आप लोगों को पता है कि इस गन का नाम क्या है तो कमेंट करके बताएं। और अरे ये क्या, जैब्दा किलर ने तो गुल्ली और आलोक को पिंजड़े में बंद करके रखा है। तभी जैब्दा किलर ताली बजाता है। तभी वो आदमी इन लोगों से कहता है, जाओ जैब्दा किलर तुम लोगों को बुला रहा है। इतना सुनते ही स्काइलर, रेड क्रिमिनल, हिपहॉप और बुल्ली जैब्दा किलर की तरफ जाने लगते हैं। जैब्दा किलर के पास आते ही ये लोग खड़े हो जाते हैं। तभी जैब्दा किलर खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बुल्ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैब्दा किलर से कहता है, ज्यादा मत हंसो जैब्दा किलर, वरना मैं तुम्हारा सारा दांत तोड़ दूंगा। तभी जैब्दा किलर इन लोगों से कहता है, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर तुम लोग ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करोगे तो जेसन गुल्ली और आलोक को गोली मार देगा, इसलिए तुम लोग चुपचाप पिंजड़े में जाकर खड़े हो जाओ। जैब्दा किलर की बात सुनने के बाद ये लोग पिंजड़े के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग पिंजड़े के अंदर आते हैं तभी जैब्दा किलर का आदमी पिंजड़े का दरवाजा बंद कर देता है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, अगर हम लोग चाहते तो जैब्दा किलर और जेसन को मार सकते थे, लेकिन ऐसा करने से गुल्ली और आलोक की जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी जेसन कहता है, जैब्दा किलर तुमने इन लोगों को पिंजड़े में क्यों बंद किया, मुझे बोला होता मैं इन लोगों को तुरंत मार देता। तभी जैब्दा किलर जेसन से कहता है, जेसन इन लोगों को एक एक करके मारने में मजा नहीं आएगा, जैसे इन लोगों को हमने जाल में फंसाया है वैसे ही इन लोगों के बाकी दोस्तों को भी यहाँ बुलाकर अपने जाल में फंसा लेंगे और फिर इन सारे लोगों को एक ही साथ ऊपर पहुँचा देंगे। थोड़ी देर में ये लोग गुल्ली और आलोक को होश में ले आते हैं। होश में आते ही आलोक इन लोगों से कहता है, अरे मुझे और गुल्ली को तो जैब्दा किलर और जेसन यहाँ लेकर आए थे, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे आ गए और तुम लोग इस पिंजड़े के अंदर क्यों बंद हो? वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे आलोक, लेकिन पहले यहाँ से बाहर निकलने की सोचो। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जैब्दा किलर जेसन से कहता है, तुम बस देखते जाओ जेसन कैसे मैं इन लोगों के बाकी दोस्तों को कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। और इधर ये लोग बहुत देर से सारे लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं
तभी सोन कहता है 2 घंटे हो गए लेकिन अभी तक इन लोगों का कोई अता पता नहीं है और बुल्ली ने भी अभी तक कॉल नहीं किया। पता नहीं इन लोगों को गुल्ली और आलोक मिले होंगे या फिर नहीं। तभी येलो क्रिमिनल कहता है सोन तुम खुद ही बुल्ली के पास कॉल लगाकर पूछ लो कि उन लोगों को गुल्ली और आलोक मिले या फिर नहीं। तभी सोन कहता है हाँ येलो क्रिमिनल तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, रुको मैं अभी बुल्ली के पास कॉल लगाकर पूछता हूँ कि वो लोग अभी तक कहाँ पहुँचे। इतना कहने के बाद सोन अपना मोबाइल निकालता है। तभी सोन के मोबाइल में किसी का कॉल आता है और फिर सोन उस कॉल को उठाता है। तभी जैब द किलर कहता है अगर तुम लोगों को अपने दोस्तों की जान बचानी है तो चुपचाप जंगल वाली फैक्ट्री में आ जाओ और हाँ पुलिस वाले को मत बताना नहीं तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। तभी सोन कहता है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सारे दोस्त तुम्हारे पास हैं। तभी जैब द किलर कहता है मैंने तुम्हारे मोबाइल में फोटो भेज दिया है तुम लोग उसे देख लेना। इतना कहने के बाद जैब द किलर कॉल कट कर देता है और फिर सोन उस फोटो को देखने लगता है। फोटो को देखते ही सोन इन लोगों से कहता है अरे ये तो जैब द किलर है और इसने तो हमारे सारे दोस्तों को पिंजड़े में बंद करके रखा है, हम लोगों को जल्दी से जंगल वाली फैक्ट्री में जाना होगा। लेकिन सोन हम लोग जंगल वाली फैक्ट्री कैसे जाएंगे वो तो बहुत दूर है, लेकिन कोई बात नहीं मुझे एक शॉर्टकट रास्ता याद है चलो हम लोग वहाँ से चलते हैं। इतना कहने के बाद ये लोग जंगल वाली फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग जंगल वाली फैक्ट्री के पास आ जाते हैं। फैक्ट्री के पास आते ही ये लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि सामने तो जैब द किलर और जेसन खड़ा है। तभी येलो क्रिमिनल कहता है चलो हम लोग जैब द किलर के पास चलते हैं। इतना कहते ही ये लोग जैब द किलर की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग जैब द किलर के पास आकर खड़े हो जाते हैं और इन लोगों को देखकर गुल्ली बुल्ली आलोक स्काइलर रेड क्रिमिनल और हिपो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी येलो क्रिमिनल जैब द किलर से कहता है जैब द किलर तुमने हमारे दोस्तों को पिंजड़े में बंद करके अच्छा नहीं किया, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। तभी सोन कहता है हाँ आज मैं जैब द किलर और जेसन को इतना ज्यादा मारूंगा कि ये लोग कभी दोबारा ऐसा करने की नहीं सोचेंगे और ना ही कभी दोबारा हमारे सामने आएंगे। इन लोगों की बात सुनते ही जैब द किलर इन लोगों से कहता है तुम लोग मेरे जाल में फंस गए हो, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब जेसन तुम लोगों को मार देगा, तुम लोगों में से जिसे नहीं मरना है वो चुपचाप पिंजड़े के अंदर जाकर खड़े हो जाओ नहीं तो तुम सारे लोग मारे जाओगे। अरे ये क्या, ग्रीन क्रिमिनल ने तो जेसन के हाथ में गन को देख लिया है और फिर ग्रीन क्रिमिनल जेसन के ऊपर हमला कर देता है। ग्रीन क्रिमिनल के हमले से जेसन तो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तभी जैब द किलर अपने आदमियों से कहता है पकड़ लो इन सारे लोगों को और फिर जैब द किलर के आदमी इन लोगों की तरफ आने लगते हैं। इन लोगों के पास आते ही जैब द किलर के सारे आदमी इन लोगों को घेर लेते हैं और फिर तभी अरे क्या येलो क्रिमिनल ने तो जैब द किलर को भी मार दिया। अरे क्या यहाँ तो पुलिस वाले आ चुके हैं और पुलिस वाले के पीछे तो सकुरा आ चुका है, लगता है पुलिस वाले को सकुरा ही लेकर यहाँ आया है। ये सारे लोग पुलिस वाले को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर पुलिस वाले इन लोगों के पास आते हैं। तभी एक पुलिस वाला इन लोगों से कहता है आज मैं जैब द किलर और जेसन को जेल में ले जाकर इतना ज्यादा मारूंगा कि ये लोग कभी दोबारा जेल से भागने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही दोबारा किसी को परेशान करेंगे, अब तुम सारे लोग साइड में खड़े हो जाओ, हम लोगों को हमारा काम करने दो। और फिर थोड़ी देर में पुलिस वाले जेसन जैब द किलर उनके सारे आदमियों को ट्रक में रख लेते हैं और उन लोगों को लेकर जेल चले जाते हैं। गुल्ली कहता है बहुत देर हो चुकी है चलो अब हम लोग फैक्ट्री में चलकर जल्दी से पार्टी शुरू करते हैं, सारे लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। थोड़ी देर में रॉड और पर्पल क्रिमिनल बड़े वाले ट्रक में आगे बैठ जाते हैं और सोन स्काइलर रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं और बाकी के सारे लोग बड़े वाले ट्रक में पीछे खड़े हो जाते हैं। हिप हॉप सकुरा से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि हम लोग फैक्ट्री के अंदर हैं? मैं तो इसी रास्ते से पार्टी करने के लिए फैक्ट्री जा रहा था, तभी मैंने देखा कि जेसन और जैब द किलर गुल्ली और आलोक को लेकर इस फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे, तभी मैं पुलिस को बुलाने के लिए चला गया था। इतना कहने के बाद ये सारे लोग फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं।
थोड़ी देर में ये सारे लोग गुल्ली बुल्ली के स्कूटर को लेकर फैक्ट्री आ जाते हैं। तभी आलोक इन लोगों से कहता है, चलो अब हम लोग पार्टी शुरू करते हैं, लेकिन चलो उससे पहले हम लोग डांस करते हैं। इतना कहने के बाद ये सारे लोग डांस करने लगते हैं।